बात करते हैं हिसार की। हिसार के मॉडल टाउन एक्सटेंशन में रहने वाले कार्डियोलॉजिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ रविंद्र गुप्ता पर हुए हमले के मामले में अब लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। मामले में कोई ठोस कार्रवाई न होने से डॉक्टर्स नाराज हैं और आज उन्होंने हड़ताल की है। हिसार में आईएमए के आह्वान पर निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने आज ओपीडी के साथ साथ इमरजेंसी सेवा भी बंद रखी। निजी अस्पतालों में ओपीडी बंद रखते हुए हिसार में डॉक्टर्स ने सड़कों पर उतरकर मार्च निकालते हुए अपना रोष भी जताया। आईएमए का कहना यह है कि डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सरकार को कदम उठाने चाहिए। नाराज डॉक्टर्स का कहना यह कि कई घंटे बीत चुके हैं लेकिन अब तक पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है। तो हिसार में डॉक्टर्स की हड़ताल इस वक्त चल रही है। डॉक्टर्स के साथ मारपीट का जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल एक कार्डियोलॉजिस्ट रविंद्र गुप्ता के साथ जो मारपीट हुई थी इस मामले में ये पूरा विवाद बढ़ा है। हृदय रोग विशेषज्ञ रविंद्र गुप्ता पर हमला हुआ, हमले के बाद विवाद बढ़ा, जब कार्रवाई नहीं हुई तब डॉक्टर्स नाराज हुए और उन्होंने आईएमए के आह्वान पर इस तरह से सड़क पर उतरकर न केवल मार्च निकाला बल्कि उनका विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। और हिसार से मेरे सहयोगी रोहित कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, कब से चल रहा है ये प्रदर्शन, कब तक चल सकता है ये प्रदर्शन? देखिए हार्दिक, इस प्रदर्शन की बात कर ली जाए तो कल शाम को भी डॉक्टर्स ने एक तरह से सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया था। आज की अगर बात करी जाए तो आज डॉक्टर्स, हिसार के तमाम डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल पर हैं। हड़ताल का मुख्य कारण यही है कि जो डॉक्टर रविंद्र गुप्ता के ऊपर हमला हुआ था और उस संबंध में जिस तरह से FIR भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन जिन्होंने हमला किया था वो हमलावर जो है अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, तो उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर जो है डॉक्टर्स की तरफ से आज एक तरह से हिसार में सड़कों पर उतरते हुए प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ एकजुटता के साथ यही मांग उठाई गई कि जब डॉक्टर्स के साथ ऐसा हो रहा है तो आखिर सिक्योरिटी पर्पज से पुलिस ने क्या इंतजाम जो है वो आम जन की लेकर रखे हैं, इस तरह के सवाल जो है उन्होंने उठाए हैं। बहरहाल आज फिर एक बार सड़कों पर उतरे नजर आए डॉक्टर और हिसार जिला के तमाम अस्पताल जो है उसमें सेवाएं उन्होंने ठप की हुई है। ठीक है रोहित जी, तो रोहित अभी तो ये प्रदर्शन जारी है लेकिन मांग क्या हो रही है कि मुख्य आरोपी को पकड़ा जाए, बहस महज इतनी ही मांग है या इसके अलावा डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर भी और कोई बात की जा रही है? क्योंकि जब एक साथ इतने सारे डॉक्टर्स आए हैं तो कहीं ना कहीं एक साथ कई डॉक्टर्स की सुरक्षा की बात उठती है। अक्सर हम देखते हैं कि डॉक्टर्स पर इसी तरह से कोई परिजन आकर हमला कर देते हैं, अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो सीधे तौर पर उसके स्वास्थ्य से ज्यादा जिम्मेदारी डॉक्टर पर दे दी जाती है कि डॉक्टर ने ही लापरवाही बरती होगी। तो क्या इस तरह से सभी डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर भी कोई कदम उठाने की मांग डॉक्टर्स कर रहे हैं क्या? देखिए हार्दिक, सबसे पहले मैं आपको इस पूरे मामले के बारे में बता दूं, ये मामला किसी मरीज से जुड़ा हुआ नहीं है और ना ही जिन्होंने हमला किया उनके बारे में किसी को कुछ पता है। सिर्फ इतना ही पता चल पाया है कि डॉक्टर रविंद्र गुप्ता को घर से एक तरह से बेल बजाकर बाहर बुलाया जाता है, उसके बाद उन पर दो युवक जो है हमला करते हैं। मामले की एक CCTV भी सामने आती है और कोशिश ये की जाती है, जिस तरह से एलिगेशन, जिस तरह से पुलिस को डॉक्टर्स ने बताया है कि शायद उनका ये प्रयास था कि डॉक्टर का अपहरण कर लिया जाए, इस तरह की बातें जो है वो निकल कर सामने आ रही है। अब हमलावर कौन थे इनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ जो बताया जा रहा है कि एक बाइक मौके से मिला है हड़बड़ाहट में जो वो छोड़कर भागे हैं उस पर दिल्ली नंबर का जिक्र है, इस तरह की बातें सामने आ रही है। आज जो डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया है उनका कहना यह है कि पूरे मामले को काफी घंटे बीत चुके हैं, बाकायदा पुलिस के अधिकारियों से भी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन हमलावर आरोपियों की अभी तक ना तो गिरफ्तारी हो पाई है और ना ही और डॉक्टर्स, मसलन रविंद्र गुप्ता के अलावा जितने और डॉक्टर हैं उनकी सुरक्षा के क्या इंतजाम है, क्या इस तरह की चीजें दोबारा ना हो उसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, इस तरह की मांगों को लेकर ही आज ये डॉक्टर सड़कों पर उतरे थे। आपको मैं इस मामले में एक और अपडेट दे दूं कि इस पूरे मसले को लेकर हिसार के मेयर गौतम सरदाना का कहना है कि कल जब अनिल विज यानी कि हरियाणा के गृह मंत्री कल जो हिसार में गवर्नेंस कमेटी की मीटिंग लेने पहुंचेंगे उनके समक्ष भी इस मुद्दे को उठाने की चर्चा जो है वो की जा रही है। ठीक है रोहित, हालांकि जो बात मैंने शुरू की थी वो बात यहीं पर है कि बाकी के जो डॉक्टर्स हैं वो अगर यहाँ साथ आए हैं तो उनकी भी कहीं ना कहीं मांग ये कि हम भी सुरक्षित रहें। ये तो महज एक उदाहरण है
कि परिजन उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर्स पर बहुत सारे आए दिन हमले होते रहते हैं। डॉक्टर्स कितने सुरक्षित हैं, ये अपने आप में एक सवाल है और प्रशासन के लिए चुनौती है। इसी चुनौती से निपटना बहुत जरूरी है और डॉक्टर्स को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हम सबको सुरक्षित रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित इस जानकारी के लिए। तो देखिए, हम आपको वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं जिस पूरे मामले पर इस वक्त हम बात कर रहे हैं। ये जो पूरा केस बन रहा है, जिस तरह से डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है, ओपीडी के साथ साथ जो इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर्स ने बंद की है, वो क्यों की है ये आप देख लीजिए। दरअसल जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रविंद्र गुप्ता, उनके घर पर आकर किसी ने मारपीट की। मारपीट का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। हिसार के एक डॉक्टर पर हुए हमले और उनके अपहरण की कोशिश के मामले को लेकर पूरे हिसार के डॉक्टर्स आज हड़ताल पर हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं हिसार के अगरसेन भवन में किस तरह से तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो लामबंद हुए हैं। तमाम ओपीडीज जो है वो आज बंद की गई है, साथ ही साथ इमरजेंसी सेवाएं भी जो हैं एक तरह से बंद करके डॉक्टर अपना रोष जाहिर करते नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर अगर इस पूरे मामले की बात करी जाए तो जो अब तक पुलिस की कार्रवाई हुई है उससे एक तरह से डॉक्टर्स असंतुष्ट है। क्या कुछ इन डॉक्टर्स का कहना है, तमाम पदाधिकारी उनसे बातचीत करते हैं, ये जानना चाहेंगे जेपी साहब कि आज हड़ताल का कारण क्या है, क्या मांग करते हैं आप? मैं डॉक्टर नलवा, आईएमए अध्यक्ष हिसार। विषय बहुत कठिन और बहुत गंभीर है, मुंह पे हाथ रखा और ऐसी मुद्रा में आ गए कि जैसे ये अभी लेके जाएंगे इनको। इत्तेफाक क्या हुआ कि कोहरे की वजह से फर्श पे पानी पड़ा हुआ था और डॉक्टर रविंद्र गुप्ता ने थोड़ा सा रेजिस्ट किया तो वो गिर पड़े। जैसे ही वो गिरे और उन्होंने शोर मचाया बचाओ बचाओ, उसी टाइम उन्होंने जो है एक गन निकाल ली। इत्तेफाक से वो गन चली नहीं, लगता है कि वो देसी पिस्टल थी। जब वो गन नहीं चली और इन्होंने शोर मचाना शुरू किया तो वहां पे एक कार पहले से ही खड़ी हुई थी, मोटरसाइकिल की चाबी उनकी वहीं गिर गई, मोटरसाइकिल वहीं छोड़ गए और कार से वो भाग गए। तो अब इस पूरे मामले में पुलिस की क्या कार्रवाई रही है, क्या मांग करते हैं ये बताइए जी आप। ऐसा है, पुलिस ने हमें सिर्फ आश्वासन और आश्वासन ही दिए हैं। कल हम पुलिस के सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं एसएसपी साहब, उनसे कल हम शाम को 4 बजे मिले थे। उन्होंने हमें कहा कि हमारी टीमें काम कर रही हैं, वेट फॉर सम टाइम एंड वी विल बी एबल टू डू समथिंग। लेकिन आज 3 दिन हो गए इस घटना को हुए, सोमवार सुबह 6 बजे की घटना हुई है, 72 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी किसी भी तरह का कोई अपडेट हमारे पास नहीं है कि किसी कल्प्रिट को पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया। आज क्या सारे डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं? यस, आज हिसार डिस्ट्रिक्ट के पूरे 500 से ज्यादा डॉक्टर्स और लगभग 200 के करीब हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर टोटल बंद हैं। कोई इमरजेंसी सेवाएं नहीं दी जा रही, कोई डिलीवरी सर्विसेज नहीं हो रही और ना ही किसी ट्रामा के या चोट के मरीज को देखा जा रहा। कोई ओपीडी भी नहीं है, कोई ओपीडी भी नहीं है। डॉक्टर साहब, जो उस दिन आपके साथ हुआ था, मसलन अगर पूरे वाक्य की बात कर लीजिए, क्या पुरानी रंजिश भी थी या ऐसा कुछ? हमें तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कोई कारण नहीं लगता। तो सीधे आपको उठाने की कोशिश थी उनकी तरफ से, ऐसा ही लगता है प्रयास। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़नी चाहिए? मेरी व्यक्तिगत सुरक्षा की बात नहीं है, तो लॉ एंड ऑर्डर की बात है। अगर आप घर में सुरक्षित नहीं है, मैं सुरक्षित नहीं, आप भी तो कौन से सुरक्षित है? आप अपना भी तो सोचिए, इनका भी सोचिए। आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, मैं सुरक्षित नहीं तो मैं भी समाज का हिस्सा हूँ, आप भी समाज का हिस्सा, आप भी कहाँ सुरक्षित है? तो सीधे तौर पर सख्ती होनी चाहिए। मसलन जवाब आपके पास में भी है। कैंपस राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार।